another C program to swap first and last digit of a given numbers. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने इसका लॉजिक डिस्कस करूंगा, देन लॉजिक के बेसिस पर जनरेट करेंगे कोड फॉर और सोर्स कोड फॉर दैट प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट वी आर हैविंग सम नंबर्स लाइक वी आर टेकिंग सम नंबर सिंपल नंबर एज 2, 6, 5, 9 लाइक दैट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है इसके अकॉर्डिंग? इसे स्वैप क्या करना है? स्वैपिंग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. फर्स्ट डिजिट इज 2, लास्ट डिजिट इज 9. इन दोनों बिट्स को, दोनों डिजिट्स को स्वैप करना, रिमेनिंग डिजिट्स कैसे रहेंगे? रिमेन्स सेम. सेम मीन्स 2 के प्लेसेस पर क्या जाएगा? 9. देन 6 के प्लेस पर 6, 5 के प्लेस पर 5 एंड 9 के प्लेस पर क्या स्वैप हो जाएगा? जा 2. दिस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर गिवन इनपुट नंबर्स लाइक दैट. इस केस में सबसे पहले लॉजिक बिल्डअप करते हैं. लॉजिक क्या होगा इस केस में? फर्स्ट वन, सबसे पहले इस केस में रिक्वायर्ड होगा सेपरेटिंग फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एंटर नंबर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट वेरिएबल समथिंग फर्स्ट और लास्ट. इस केस में फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट एफ, एफ में क्या निकालेंगे? समथिंग 2. देन लास्ट वेरिएबल एल में क्या निकालेंगे? समथिंग लास्ट डिजिट, इन दैट केस 9. फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट लॉजिक क्या रहेगा इस केस में? जो भी इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेट करा इनसाइड सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड है स्वैप. लेकिन स्वैप के केसेस में सिंपली इसका स्वैप का लॉजिक क्या रहेगा? स्वैप इज इक्वल्स टू, स्वैप क्या इस केस में? आउटपुट वेरिएबल. मीन्स डिजिट से स्वैप होने के बाद जब न्यू नंबर जनरेट हुआ, इस न्यू नंबर को स्टोर करा इनसाइड वेरिएबल है स्वैप. स्वैप के केसेस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए इस केस में? सबसे पहले स्वैप में अपेंड क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट. सबसे पहले स्वैप के केस में रिक्वायर्ड डिजिट क्या है? लास्ट. लास्ट डिजिट के बेसिस में लास्ट डिजिट के बाद स्वैप मीन्स अपेंड क्या कराना है? मिड डिजिट्स, मिड डिजिट्स इन सेम ऑर्डर. तो इस केस में मिड डिजिट्स के केसेस में जो भी मिड डिजिट्स हैं इन डिजिट को ऐड करा लेंगे. तो इन डिजिट को ऐड कराने के कुछ लॉजिक्स पार्ट करेंगे. लॉजिक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएंगे? पहले एक सेपरेट अनदर वेरिएबल क्रिएट करा लें समथिंग रिवर्स. रिवर्स के केस में आसान क्या कराएंगे? ओनली मिड डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर. जैसे इस केस में मिड डिजिट्स क्या है? 6, 5. तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा इसका? 5, 6. क्योंकि अपने पास जो भी लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स ओनली राइट टू लेफ्ट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल, नॉट फॉर लेफ्ट टू राइट. इसलिए बाद में जब इस नंबर को ऐड कराएं तो अगेन नंबर क्या रिकॉर्ड? 6, 5. जब इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 एंड 5. पहले इसको रिवर्स में स्टोर करा लें, अगेन फिर से अपेंड कराएं. देन अपेंड मीन्स जो भी मिड डिजिट्स हैं, मिड डिजिट्स में सिंपली आसान क्या कराएंगे? रिवर्स. लेकिन रिवर्स डायरेक्टली आसान करके रिवर्स अगेन केस ऑफ मीन्स रिवर्स क्या है इसमें करंटली? 5, 6. 5, 6 का अगेन रिवर्स क्या होगा? 6, 5. जो भी 6, 5 है इस प्लेस पर ऐड करा लेंगे. देन इसके अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट क्या करंटली? 9. प्लस 9 के बाद अपेंड क्या हुआ इस केस में? अपेंड की बात कर रहा हूँ ना कि एडिशंस. मिड डिजिट्स मीन 6, 5. 6, 5 अपेंड होने का नंबर क्या जनरेट हुआ इससे? 9, 6, 5. आफ्टर दैट फाइनली अब रिक्वायर्ड क्या है? प्रीवियस फर्स्ट डिजिट 2. 2 किस में स्टोर है? एफ में. उसके जस्ट बाद अपेंड क्या कराएंगे? फर्स्ट डिजिट. फर्स्ट डिजिट का वैल्यू गिवन इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या है? 2. जब इसमें 2 अपेंड होगा तो नंबर क्या जनरेट होगा? 9, 6, 5, 2. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इसे जिस सिक्वेंस मैंने लॉजिक डिस्कस किए सेम सिक्वेंस में सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे. फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है? नंबर, फर्स्ट, एफ, एल, स्वैप और रिवर्स. इसके अलावा एक और वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ समथिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल्स. क्योंकि जब ऑपरेशंस को कंप्लीट करेंगे देन कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम इसे नंबर्स के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे देन ओरिजिनल नंबर मॉडिफाई हो जाएगा. इन फ्यूचर नेक्स्ट केस में अगर फिर से अगर आपको ओरिजिनल नंबर रिक्वायर्ड है इसको रिकवर करना पॉसिबल फ्रॉम अ टेम्प्रेरी वेरिएबल. तो टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर क्या कराएंगे? एंटर्ड नंबर्स. जो भी ओरिजिनल नंबर है स्कैन फंक्शन से रीड कराने के बाद ये नंबर कॉपी किस में होगा? टेम्प में. फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस प्रोग्राम में टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है? फर्स्ट वन इंटीजर टेम्प, नेक्स्ट वन समथिंग नंबर, नेक्स्ट वन स्वैप, नेक्स्ट वन
रिवर्स, रिवर्स के केस में इनिशियल वैल्यू असाइन कराएंगे एज अ जीरो, फोर वैल्यूज। इसके अलावा अदर एंड ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हैं, फर्स्ट डिजिट को होल्ड करेंगे, लास्ट डिजिट को होल्ड करेंगे, सेपरेट वैल्यूज क्रिएट करेंगे एज अ एफ एंड एल। नेक्स्ट स्टेप रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, इनपुट किसके लिए रीड कराना, नंबर्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप रीडिंग इनपुट्स, पुट्स एंटर नंबर, पुट्स एंटर नंबर, स्कैन एप परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर, परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर। नेक्स्ट वन, नंबर्स को रीड करने के जस्ट बाद देन नंबर्स को प्रिजर्व करने के लिए रिमेनिंग ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में इसको असाइन किस में कराएं, इनसाइड वेरिएबल टेम्प। हाँ, वैल्यू ऑफ टेम्प, सपोज दैट इनिशियली इन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू नहीं, मीन्स वैल्यूज को इसको प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग अवर लॉजिक्स। इन दैट केस सपोज दैट एंटर्ड नंबर इज 2658 और समथिंग वी आर टेकिंग एन अदर नंबर, एनी डिफरेंट नंबर, समथिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लाइक दैट। जैसे इस केस में नंबर रीड हो जाएगा, नंबर क्या रीड कराया, गिवन, देन रिवर्स का इनिशियल वैल्यू क्या है इस केस में, जीरो। स्वैप के केस में अभी भी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, स्वैप इज समथिंग गार्बेज लाइक दैट। नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या, असाइनिंग दिस रीडिंग नंबर इनसाइड टेम्परेरी वेरिएबल्स, टेम्प इक्वल्स टू नंबर। सपोज दैट अगर ओरिजिनल नंबर मॉडिफाई हो रहा है किसी ऑपरेशंस को कंप्लीट करने का, देन सेम नंबर अगेन रिकवर करना पॉसिबल फ्रॉम टेम्प वेरिएबल्स, क्योंकि टेम्प में भी असाइन करा चुके हैं वैल्यू ऑफ नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या रहेगा इस केस में, जस्ट अभी राइट डाउन किया था, कैलकुलेटिंग फर्स्ट डिजिट और कैलकुलेटिंग लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करने का सिंपल वे क्या रहेगा, जो भी ओरिजिनल नंबर है इसको डिवाइड किससे कराएंगे, मॉड्यूलो बाई 10। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4, जो कि आसान किस्म हो जाएगा एल में। इस लास्ट डिजिट सिंपली कैलकुलेट करना पॉसिबल, एल इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो बाई 10। इसके साथ नंबर में कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं होगा, नंबर एंटर किया 1 2 3 4 मॉड्यूलो बाई 10। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, लास्ट डिजिट क्या, 4। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिलता है, लास्ट डिजिट 4। 4 इज असाइन टू द वेरिएबल एल, नाउ वैल्यू ऑफ एल बिकम्स 4। नेक्स्ट वन, अब रिक्वायर्ड क्या, फर्स्ट डिजिट 1, मीन्स 4 ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, रिक्वायर्ड क्या 1। 1 के केस में किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट रिकवर करना, तो इसके लिए लॉजिक क्या राइट डाउन किया था, सिंपली ऑपरेशंस। इस केस में लूप एग्जीक्यूट करेंगे जब तक नंबर का वैल्यू 10 से बड़ा है, देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराएं, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। इस फर्स्ट टाइम इसके से इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इनिशियली नंबर का वैल्यू क्या, फर्स्ट टाइम 1 2 3 4। ऑपरेशन कब तक चले, जब तक 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म हो तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। अगेन कंडीशन टेस्ट हो, अभी भी नंबर 10 से बड़ा है, नेक्स्ट टाइम फिर से 10 से डिवीजन हो तो नंबर क्या आ जाएगा, 1 2, ग्रेटर देन 10, अभी भी नंबर 10 से बड़ा है, देन अगेन 10 से डिवीजन हो तो फिर से ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, 1, ग्रेटर देन 10, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। व्हाइल कंडीशन फॉल्स हुआ तो उस टाइम पर नंबर का करंट वैल्यू क्या हो चुका है, 1। इस नंबर में क्या जाएगा, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही लूप कंप्लीट होगा, इस वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 1। नंबर का वैल्यू 1 होने के बाद आपको रिक्वायर्ड भी क्या था, फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट, तो सिंपली डायरेक्टली अवेलेबल किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो सिंपली एफ में क्या असाइन कराएं, कॉपी दिस वैल्यू ऑफ नंबर। नंबर का वैल्यू करेंटली 1 हो चुका है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए सेम वैल्यू 1 आसानी किस में जाएगा, वेरिएबल एफ, जो कि आप बाद में फ्यूचर में यूज करोगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, मीन्स इनपुट्स भी अवेलेबल है, फर्स्ट डिजिट भी अवेलेबल, लास्ट डिजिट भी अवेलेबल। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट क्या करना है, मिड ऑफ द डिजिट्स, इसके बाद नंबर के बाद फिर से नंबर्स के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करने के लिए नंबर को रिकवर करेंगे फिर फ्रॉम टेम्परेरी वेरिएबल्स। टेम्प का वैल्यू क्या, 1 2 3 4, अगेन नंबर में भी क्या आसान हो जाएगा, 1 2 3 4। व्हाट इज नेक्स्ट ऑपरेशंस, नेक्स्ट ऑपरेशन रिक्वायर्ड क्या है, मिड डिजिट्स ऑफ द नंबर्स, मीन्स फर्स्ट केस में 1 किस में, एफ में, 4 किस में, एल में, मिड डिजिट्स। इन मिड डिजिट्स किस सीक्वेंस में रिक्वायर्ड है, रिवर्स ऑर्डर, मीन्स इस केस में रिवर्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 3 2, जो कि बाद में अगेन रिवर्स होगा,
देन फिर से इस प्लेस पर अपेंड किया जाए 2 3। तो रिवर्स में रिवर्स के केसेस में मीन्स इस केस में जो भी आपका नंबर है नंबर रिवर्स कहाँ से कराना है, एक्सेप्टिंग लास्ट डेट मीन जो भी ओरिजिनल नंबर है उसका पूरा नंबर रिवर्स में असाइन करके लास्ट डेट को छोड़ के और फर्स्ट डेट को छोड़ के रिमेनिंग सारे डिजिट से रिवर्स ऑर्डर में असाइन कराना है। तो पहले नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव करना होगा, ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे नंबर में डायरेक्टली टेम्प असाइन करके असाइन किया करा सकते हैं, नंबर इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। और टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे देन इस केस में डिवीजन क्या आएगा 123, इसलिए नंबर में भी कैसा होगा 123। नेक्स्ट वन, इसका रिवर्स कब तक कराएंगे, जब तक नंबर का वैल्यू जीरो ना हो जाए, जब तक नंबर 10 से बड़ा है। रिवर्स कब तक कराओ, जब तक नंबर 10 से बड़ा है, जैसे ही नंबर का वैल्यू 1 बनेगा उसका रिवर्स कराने की नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी एफ में स्टोर्ड है। तो इसलिए रिवर्स करने के लिए लॉजिक अप्लाई करेंगे अगेन, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 10 प्लस रिवर्स का लॉजिक क्या रहेगा, सेम एज प्रीवियस केसेस, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट। डिजिट किसका है, नंबर का लास्ट डिजिट इंसर्ट कराएं तो नंबर इसमें यूज क्या करें, नंबर मॉड्यूलो बाई 10। देन नंबर में अगेन चेंजेस परफॉर्म करने के लिए यूज क्या करें, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। दिस इज द लॉजिक्स फॉर रिट्रीविंग मिड डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। मिड डिजिट्स मीन्स एक्सेप्टिंग फर्स्ट एक्सेप्टिंग लास्ट। इन दैट केस करेंटली इस इनपुट्स के अकॉर्डिंग अभी लूप प्रोसेस होगा, नंबर में कैसा होगा 123। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टाइम कंडीशन क्या है, 123 ग्रेटर देन 10 कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन टू है ना, जैसे एक्सप्रेशन को जब कैलकुलेट करेंगे रिवर्स का वैल्यू क्या करेंटली जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 इज ऑल्सो जीरो प्लस नंबर मॉड्यूलो बाई 10, नंबर क्या 123, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3, 0 प्लस 3 इज 3, 3 इज असाइन टू द वेरिएबल रिवर्स, रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एक्सपेक्टेड क्या फर्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम क्या एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 2। देन नंबर को 10 से डिवाइड करने पर नेक्स्ट टाइम नंबर का ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा, नंबर का करंट वैल्यू क्या 123, 10 से डिवाइड करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा ओनली 12 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर अगेन, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 12। नेक्स्ट वन, उसके बाद कंट्रोल सेंड हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन में नंबर के प्लेस पर अगेन रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ नंबर और नंबर का वैल्यू क्या करंटली 12 ग्रेटर देन 10 कंडीशन अगेन टू। तो फिर से आसान क्या होगा रिवर्स, रिवर्स का वैल्यू क्या करंटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 30 प्लस नंबर, नंबर का वैल्यू क्या 12 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 2, 30 प्लस 2 बिकम 32 असाइन टू द वेरिएबल रिवर्स, रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या असाइन होगी 32, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, एग्जैक्टली सेम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। आफ्टर दैट नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर का वैल्यू क्या 12, 10 से डिवाइड करने पर 10 कितनी बार डिवाइड हुआ इंटीजर्स के फॉर्म ओनली 1 टाइम, 1 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, अगेन वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 1। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं नंबर का वैल्यू क्या 1 ग्रेटर देन 10 कंडीशन बिकम फॉल्स, मीन्स कर्सर कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ नंबर, नंबर के बाहर आने के जस्ट बाद मीन्स रिवर्स में फाइनली अवेलेबल क्या है और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 32, रिवर्स में ऑलरेडी क्या असाइन करा चुके हैं 32। अब फाइनली आप कैलकुलेट क्या कराएंगे स्वैप, नेक्स्ट लॉजिक इसके लिए प्रोवाइड करना है जनरेटिंग स्वैप। तो स्वैप को जनरेट करने के लिए सिंपल लॉजिक क्या है, स्वैप में सबसे पहले क्या असाइन करा लेंगे लास्ट डिजिट, स्वैप इक्वल्स टू एल वैल्यू ऑफ एल, करंटली एल का वैल्यू क्या है, एल मीन्स लेफ्ट वैल्यू 4, तो स्वैप में भी क्या असाइन हो जाएगा ऑल्सो 4। इसके जस्ट बाद रिमेनिंग लॉजिक्स में साइड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट प्लेस बिकॉज ऑफ स्पेस, रिमेनिंग लॉजिक्स मीन स्वैप में एल असाइन करने के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑपरेशन रिक्वायर्ड क्या होगा, स्वैप में असाइन क्या कराना है रिवर्स ऑफ द रिवर्स नंबर, रिवर्स का रिवर्स का करंट वैल्यू क्या है 32, लेकिन इसके साथ अपेंड क्या कराना है 32 और 32 का रिवर्स, 32 का रिवर्स मीन्स 23। तो अगेन इसको कन्वर्ट किसमें कराना है 23 के फॉर्म में। नेक्स्ट वन 23 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लॉजिक्स क्या रहेंगे, नेक्स्ट रिक्वायर्ड लॉजिक्स मीन स्वैप, स्वैप का ऑलरेडी वैल्यू क्या है 4, परफॉर्मेंस परफॉर्म कब तक कराना है इसको, व्हाइल
रिवर्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि परफॉर्म क्या कराना है, रिवर्स ऑफ वेरिएबल रिवर्स, जब तक वाइल रिवर्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है। एवरी टाइम्स केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, स्वैप इक्वल्स टू स्वैप, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, स्वैप का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 4, स्वैप इक्वल्स टू स्वैप मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट, डिजिट क्या रिक्वायर्ड है, लास्ट डिजिट ऑफ रिवर्स, देन रिवर्स मल्टीप्लाई और रिवर्स मॉड्यूलो बाई 10। इस केस में जब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर, रिवर्स का वैल्यू क्या 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 40 प्लस रिवर्स क्या 32, 32 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 2, इस इट विल बिकम्स 42, 42 आसान किस में जाएगा, वेरिएबल स्वैप में, ना वैल्यू ऑफ स्वैप बिकम्स 42। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या, अगेन डिलीटिंग दिस लास्ट डिजिट, मीन्स रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स डिवाइडेड बाई 10, रिवर्स में क्या आसान हो जाएगा इस केस में 3, मीन्स इसका डिवीजन क्या है 3, 3 किस में आसान हो रहा है रिवर्स, ना वैल्यू ऑफ रिवर्स बिकम्स ओनली 3। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट क्या है, रिवर्स का वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट कराएंगे, बॉडी अगेन एग्जीक्यूट हुआ, स्वैप, स्वैप का वैल्यू क्या है 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 420 प्लस रिवर्स, रिवर्स का वैल्यू क्या है करेंटली 3, 3 मॉड्यूलो बाई 10 इज 3, तो इसका रिजल्ट क्या है 423 असाइन टू द वेरिएबल रिवर्स, रिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 423। नेक्स्ट वन, अगेन डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिवर्स का वैल्यू 3, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 0, 0 इज असाइन टू द रिवर्स, मीन्स जो भी मिड डिजिट्स हैं वो कम्प्लीटली स्वैप में अपेंड करा चुके हैं, मीन्स ये सेकेंड फर्स्ट स्टेप भी कम्प्लीट, सेकेंड भी कम्प्लीटेड है, उसके बाद कंडीशन अगेन टेस्ट होगा, रिवर्स का वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के केसेस में नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, जो भी स्वैप है स्वैप में वो अपेंड क्या कराना है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिजिट, मीन्स दिस वन इज लास्ट डिजिट, दिस वन इज मिड डिजिट्स, अब अपेंड क्या कराना है फर्स्ट, फर्स्ट डिजिट को अपेंड कराने के लिए सिंपली यूज कर लेंगे स्वैप इक्वल्स टू स्वैप मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस फर्स्ट डिजिट, जब ये ऑपरेशन सॉल्व होगा तो स्वैप का वैल्यू क्या है 423 मल्टीप्लाई बाई 10 इज क्या है सिंपली 4230 प्लस एफ, एफ का वैल्यू क्या है 1, 1 ऐड कराएंगे तो उसका एडिशन क्या है 4231, रिजल्ट इज असाइन टू द वेरिएबल स्वैप, स्वैप का वैल्यू क्या हो जाए 4231। इस केस में इस ओरिजिनल नंबर का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी क्या था 4 लास्ट डिजिट, देन मिड डिजिट 23, देन फर्स्ट डिजिट 1, ये मैच एग्जैक्टली मैच हो रहा है, देन डिस्प्ले क्या करा लेंगे वैल्यू, सिंपली वैल्यू ऑफ स्वैप, इस फाइनली रिजल्ट जनरेट करने के बाद प्रोग्राम्स के केसेस में एंड प्रोसेस में डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्वैप, देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा इस केस में योर एक्सपेक्टेड आउटपुट, सिंपली प्रिंट एफ परसेंट डी और नंबर आफ्टर स्वैपिंग डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्वैप, इससे डिस्प्ले क्या हो जाएगा योर एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्लियर।